नमस्ते बच्चे, आपने पहले क्लास में खलीफा उमर जी का एक सुंदर कहानी पढ़ा है ना? हाँ, बहुत अच्छा कहानी था, है ना? तो आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। ये भी एक कहानी है, सुंदर कहानी है। तो देखिए, कहानी का नाम क्या है? कहानी का नाम है बुरे का बुरा। क्या है? बुरे का बुरा। बुरा मतलब बैड। If you are doing bad things, the result always bad. Okay, बुरा का बुरा। दो भाई थे, तो देखे दो भाई थे, बड़े प्यार से रहते थे। तो दो भाई थे, वो कैसे रहते थे? बड़े प्यार से। हाँ, भाई का मतलब ब्रदर। तो वो ब्रदर्स कैसे रहते? बड़े प्यार से रहते थे। बड़ा भाई माधव था, तो बड़ा भाई का नाम क्या है? माधव। और छोटा भाई का नाम था गोगुल। तो बड़ा भाई का नाम क्या है? माधव। और छोटा भाई का नाम है गोगुल। वह कैसे रहता था? बड़ा प्यार से रहता था। कैसे रहते थे? बड़े प्यार से रहते थे। बड़ा बड़ा ही परोपकारी था, यानी कि माधव बहुत परोपकारी था। माधव बड़ा परोपकारी, वो तो दूसरों का सहाय करने वाले एक अच्छा व्यक्ति है। कौन? माधव। वह दीन दुखियों की सेवा करता था। वो क्या करता था? दीन दुखियों को, जो समाज में कष्टदाओं के साथ रहते हैं, दीन दुखियों को सहायता देते थे। कौन? माधव। बीमारों का इलाज कराता था। तो दोस आर नॉट फीलिंग वेल, बीमारों का इलाज कराता था। तो उसने क्या करता था? बीमार लोग हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट करवाता था। डॉक्टर के पास लेकर जो सहायता उसको देना है, वो भी वो करता था। कौन? माधव। भूखों को खिलाता था। तो दोस आर इन हंग्री, भूखे लोगों को खाना देते थे। गरीबों की मदद करता था। तो गरीब लोगों को, दोस आर पुअर, उनको भी हेल्प करते थे। ये सब कुछ कौन करते थे? माधव। वो तो बड़ा परोपकारी था, अच्छा व्यक्ति था। वो क्या क्या करते थे? दीन दुखियों की सहायता करते थे। फिर जो लोग बीमार है, तो सर नॉट फीलिंग वेल, उसके लिए ट्रीटमेंट करवाते थे। डॉक्टर को, डॉक्टर के पास उसे लेकर जाते थे। और फिर क्या करते थे? जो लोग गरीब है उसकी सहायता भी करते थे। और फिर भूखे लोगों को खाना भी देते थे। तो जो लोग भूखा है, उसको, जो लोगों को खाना नहीं मिलते है खाने के लिए, तो उसके लिए आवश्यक खाना भी देते थे। इतना सारा अच्छा काम कौन करता था? माधव। किसी दिन पड़ोस के किसी गरीब बीमार की सेवा कर वह रात को घर पहुंचा। वह बहुत धक्का मानता था। तो एक दिन क्या हो गया? पड़ोस के किसी गरीब बीमार की सेवा कर वह रात को घर पहुंचा। हाँ, एक दिन नाइबर, पड़ोस यानी कि नाइबर, एक नाइबर को बीमार थे। तो क्या किया? उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया और ट्रीटमेंट करवा दिया। उसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद वो तो अपने घर में पहुंच गया। तो वहाँ कुछ देखा। क्या देखा? घर के सब लोग सो चुके थे। नहाकर वह भोजन के लिए रसोई गया। उसने वहाँ एक चक्की देखी। हाँ, माधव तो बहुत टायर्ड था, थका हुआ था। और वे सीधे रसोई में, किचन में आ गए, क्योंकि घर वाले सब सो गए, घर के सब लोग सो गए। तो इसलिए उसने क्या किया? उसे तो खाना चाहिए, खाने के लिए भूखा है। तो रसोई में पहुंच गया। तो वहाँ आते समय वहाँ एक चक्की देखे, ग्राइंडर को देखा। नया है, अभी तक नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, तो ये चक्की नया है। उसने तो अच्छी तरह देखा। तो उसने उसके पास जाकर देखा। तो पहली बार देखा है, तो इसके नियर जाकर देखा। हाँ, सुंदर है, देखने में तो सुंदर है। वो खुद घूमते हैं, हाँ, वो खुद तो वर्क करता है।
उसमें से आवाज आई, तुम्हारे सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। तो द चक्की इज टेलिंग समथिंग, चक्की तो कुछ बोलता है, वो क्या है? तुम्हारे सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, तुम्हारा यह जो सेवा भाव है ना, उसमें मैं बहुत खुश हूँ। कौन बोला? ये चक्की ग्राइंडर ने बोला, तुम्हारा सेवा भाव से मैं बहुत खुश हूँ। दीन दुखियों, गरीबों तथा असहाय बीमारों के लिए इसका उपयोग करना। तो एक काम करो, जो लोग यहाँ दीन दुखियों हैं और जो लोग बीमार हैं और जो लोगों की सहायता चाहिए, इन लोगों के लिए मेरी उपयोग करो। तो चक्की ने उसे क्या बोला? जो लोग बीमार है, दीन दुखियों हैं, जो गरीब है, उन सबके लिए मेरा उपयोग करना है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उसके लिए क्या है? एक मंत्र है, एक मंत्र है, मलयालम में बोलता है मंत्रम, इसके लिए क्या है? एक मंत्र है, मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू नाउ। उसके अपने उसके जपने के बाद चक्की घूमने लगेगी, तो वो मंत्र जपने के बाद, मंत्र बताने के बाद, ये चक्की ग्राइंडर तो ऐसा घूमने लगेगी। उस समय तुम जो मांगोगे वह चक्की से बाहर आने लगेगा। तो उस मंत्र के बाद तुम्हें जो चाहिए वो उस चक्की से आ जाएंगे। तो अभी तो तुम्हें दूध चाहिए, तो बोलो दूध, ये घुमाओ और बोलो दूध, दूध आएंगे। और तुम्हें बिरयानी चाहिए, आएंगे। तो जो कुछ दे चाहिए वो इससे मिल सकते। चक्की बंद करने का मंत्र भी बता दिया। हाँ, सिर्फ घुलने का नहीं, बंद करने के लिए भी एक मंत्र है, वो भी बताया। किसने बताया? ये चक्की ने खुद ये माधव को बताया। क्यों ये सब माधव को बताती है? क्योंकि माधव के ये नेक मन को देखकर ये चक्की खुद उसके घर में आ गया है, समझ गया? और ये चक्की ने उससे क्या कहा, ग्राइंडर ने क्या कहा? देखो, ये देखो, तुम मेरे गरीब लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए और जो लोग सहायता के आवश्यक है उनके लिए उपयोग करना है। और क्या करना है? ये घुलने के लिए एक मंत्र है और बंद करने के लिए मंत्र है, मैं तुम्हें बताती हूँ। घुलने का मंत्र बोलने के बाद ये घूमने लगेगी और जो आवश्यक वस्तु है वो बाहर आ जाएगी। और ये बंद करना है तो बंद का जप या मंत्र बोलना है। तो चक्की उनका अच्छा मन देकर और सेवा भाव देकर आ गया है इधर। कुछ दिन बाद माधव के घर में एक औरत तीन बच्चों के साथ आई। उसका पति बीमार था। तो क्या हो गया? कुछ दिन बाद, आफ्टर सम डेज, कुछ दिन बाद माधव के घर में एक औरत आ गई, एक लेडी आ गई, और अकेले नहीं है, उसके साथ तीन बच्चे भी है। उसका पति बीमार था, क्यों आ गया है? हाँ, उसका पति बीमार था, उस औरत का पति बीमार था, इसलिए वो यहाँ सहायता के लिए माधव के पास आया है। तीनों बच्चे छोटे छोटे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, इसलिए वो माँ बाहर काम पर नहीं जा सकती थी। माधव कमरे के अंदर जाकर पहली बार चक्की से कुछ चावल मांगा, तो इसी कारण से यह औरत काम के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं। तो इसलिए सहायता मांगकर ये माधव के पास पहुंचा है। तो माधव पहले क्या किया, अपने कमरे में गया और ये चक्की से कुछ चावल, राइस मांगा। चक्की ने चावल दिया, माधव ने उसे औरत को दे दिया। तो ये चक्की ने क्या दिया, ये आवश्यक चावल दिया, और माधव ये खुशी के साथ ये औरत को दे दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। चक्की की सहायता से माधव लोगों को ज़्यादा बगार करने लगा। तो बच्चों, यहाँ तक का पाठ भाग आप ज़रूर पढ़ना है, ठीक है? तो सिर्फ ये भी नहीं, पांच क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं। नोटबुक लीजिए जल्दी से और लिखिए। पहला प्रश्न ये है कि
माधव और गोगुल कौन कौन थे? पहला प्रश्न ये कि माधव और गोगुल कौन कौन थे लिखा। दूसरा प्रश्न ये कि माधव कैसा व्यक्ति था? माधव कैसा व्यक्ति था? तीसरा, एक दिन वो रसोई में जाते समय क्या देखा? एक दिन वो रसोई में जाते समय क्या देखा लिखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, माधव ने औरत को क्या दिया? माधव ने औरत को क्या दिया? द नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्की घूमने के लिए क्या करना है? चक्की घूमने के लिए क्या करना है? तो ये पांच सवाल आप लिखा, वेरी गुड। तो क्या करना है? सिर्फ लिखने के लिए नहीं है ये, आप खुद टेक्स्ट बुक पढ़कर इसका जवाब ढूंढना है, ढूंढ कर लिखना भी है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं चलती हूँ, धन्यवाद।